આપણે ઓ શક્તિ सारे देशवासियों को जे एक मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आज जो है बहुत बड़ा दिन है, हमारा आज़ादी का दिन है। हमें सबको मिलजुल कर भाईचारा बना के रहना चाहिए। कोई धर्म जहाँ हम सब भारतवासी हैं और हमें अपने देश को सबसे सर्वप्रथम उसको रखना चाहिए। कोई हिंदू ना है, कोई मुस्लिम है, जो ईसाई है, सब भाई भाई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा देश जो है सदियों से एकता जहां अखंडता हमारी कायम है। हम सब लोग भाईचारे से रहते हैं और हर जो त्यौहार है उसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे ही मैं सारे भारतवासियों को ये संदेश दूंगा कि आज का जो दिन है बहुत बड़ा दिन है, इसको भी मिलजुल कर शांतिपूर्वक और घर घर सबको ये संदेश दें कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा दिन है, इसको मतलब धूमधाम से मनाएं। कोई किसी के दिल में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि ये हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, मतलब हम सब भारतीय हैं और भारत को हमने अपना देश माना हुआ है। भारत हमारे लिए सबसे पहले होना चाहिए, हम भारत के नागरिक हैं। इसके लिए हमें जो है जी जान से लगा देना चाहिए, जी जान अपनी जो है लगा देनी चाहिए। हमारा जो तिरंगा है इसकी हमें बहुत ही बड़े हमारे जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उसके बाद ये तिरंगा हमें मिला है और इस तिरंगे की शान को हमें बरकरार रखना चाहिए। मैं सब लोगों से, सारे दुनिया से, अपने भारतीयों से ये अपील करता हूँ और एक संदेश देता हूँ कि भारतीय स्टेटमेंट की तरफ से कि सब लोगों को इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाना। इस मार्केट की ओर से सारे देशवासियों को बधाई पेश करता हूँ कि आज का दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी को हर देश में, हर खिते में बनाया जा रहा है और आज का खास करके पुंछ में स्टेट बैंक में बनाया गया। मैं अपनी ओर से और इस मार्केट की ओर से ये सारे देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की रवायत रही है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा रहा है। हम इस भाईचारे पर, अपने भाईचारे पर कायम रहें। अपनी ओर से और हमारे भाइयों की ओर से सारे देशवासियों को मैं एक बार फिर बधाई देश कर रहा हूँ।